पोल्ट्री इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से सोया डीओसी आयात की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार ने 12 लाख टन सोया डीओसी के आयात की अनुमति दी थी, अब उस कोटे को पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि पोल्ट्री उद्योग के इस मांग की किसान संगठनों ने पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि जब हम आयात ही करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा। साथ ही किसानों ने कहा है कि आयात की अनुमति से हम पहले ही काफी नुकसान झेल चुके हैं। दरअसल आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने जीएम डीओसी आयात करने की मंजूरी दी थी। इस अनुमति के बाद से सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आई। तब सोयाबीन 10,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की दर पर बिक रहा था। सोयाबीन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण डीओसी के भाव भी बढ़े हुए थे। इसी को देखते हुए पोल्ट्री उद्योग ने आयात की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। आयात की समय सीमा बढ़ाने की मांग किसानों के हित में फिलहाल नहीं है। आयात की अनुमति के बाद से सोयाबीन की कीमत काफी तेजी से नीचे आई। कुछ हिस्सों में यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दरों पर बिका। अब एक बार फिर पोल्ट्री उद्योग ने आयात की समय सीमा को बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है और इस पर किसान खासा नाराज हैं। उनका कहना है कि ये मांग कुछ औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है, जो कि किसानों के हित में नहीं है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ऑल इंडिया पोल्ट्री बीडर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष की माने तो उन्होंने मत्स्य पालन मंत्रालय को पत्र लिखकर सरकार से स्वीकृत 12 लाख टन डीओसी के आयात को पूरा करने के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि सोयाबीन के बढ़ते दाम के बीच आयात को पूरा करने के लिए डेडलाइन में बढ़ोतरी जरूरी है। एसोसिएशन ने आयात की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के साथ ही कमोडिटी एक्सचेंजों पर सोयाबीन के व्यापार पर प्रतिबंध और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाने की भी मांग की है। ये मांग तब की गई जब किसान सोयाबीन की उपज को कटाई के बाद मंडियों में ला रहे हैं। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घरेलू उत्पादन 118,89,000 टन रहने का अनुमान लगाया है। उधर मध्य प्रदेश में प्रोसेसर्स का कहना है कि डीओसी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त से अधिक है। इसी बीच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों ने आयात सीमा का विस्तार करने के किसी भी कदम का विरोध किया है। किसान नेताओं का कहना है कि पोल्ट्री उद्योग का यह कदम प्रमुख कॉरपोरेटर और घरानों द्वारा सरकार पर आयात के लिए दबाव बनाने के लिए है। उनका मानना है कि ऐसे समय में जब सरकार आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है, वहीं घरेलू उत्पादों की कीमत पर आयात की अनुमति क्यों दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।